बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से हो। जा रहे हैं आज स्टीम रोस्ट लगती जो कि जिक्र करते हैं, इसको छोटे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी तैयार करके दे सकते हैं, ये दावतों में या फिर आप शाम की चाय में भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही मजे के तैयार होते हैं, यकीन करें आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मजे के डग तैयार होंगे। और इसको मैंने करके मसालों से तैयार किया, कोई भी डिब्बे वाला मसाला इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे तरीके से बना के सारी फैमिली को खिलाए, सब बहुत शौक से खाए। मैंने लेग पीसों को अच्छी तरह सिरका डाल के धो दिया और अब इनके ऊपर मैं डीप स्कर्ट लगा लूंगी। ये मैंने दो कट से एक लेग पीस के ऊपर एक तरफ लगाए हैं और एक जो है एक तरफ लगाया। अब मैं इसी तरह दूसरे लेग पीस के ऊपर भी डीप कट लगा लूंगी ताकि मसाला इनमें अच्छी तरह लग जाए और ये मजे के तैयार हों। अब इसी तरह मैं दूसरे लेग पीस के ऊपर भी डीप कट्स लगा लूंगी। अब मैंने इन सारे लेग पीसों के ऊपर कट्स लगा लिए। अब फिर मैं मसाले शामिल कर दूंगी। ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूंगी, ये कड़वी नहीं होती ज्यादा। और ये कुछ धनिया और जीरा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये इसमें मैं आधी टी स्पून दड़ा मिर्च और आधी टी स्पून नमक शामिल कर दूंगी। और ये मैं इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी रेड मिर्च जो कड़वी वाली है वो शामिल कर दूंगी। और अब इसमें मैं लेमन जूस जो है एक लेमन का जूस निकाल के वो इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 टीस्पून होगा जूस जो इसमें मैं शामिल करूंगी। और अब इसमें मैं तकरीबन 3-4 चम्मच दही के शामिल कर लूंगी। आप अपने लेग पीस के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, अगर आपके लेग पीस ज्यादा है तो आप दही और मसाले ज्यादा शामिल कर लें, अगर कम है तो फिर कम इस्तेमाल कर लें। अब मैंने सारे मसाले डाल दिए, अब इनको मैं हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और डीप स्कर्ट के अंदर अच्छी तरह ये आप देख सकते हैं, इनके अंदर मैं इस तरह उंगलियों के साथ मसाला जो है लगाऊंगी ताकि इनके अंदर अच्छी तरह मसाला लग जाए। अब मैंने लेग पीस को मसाला लगा लिया और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में स्टे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो सके। अब हमारे गोश्त को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। इसको मैंने ना ही ओवन में बनाना है और ना ही इसको तवे पे बनाना है, आज मैं इसको ये जो स्टीम लेग पीस रोस्ट में बनाऊंगी, आज इसको मैं प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगी। इस तरह से आप बनाएंगे तो अगर कोई मेहमान भी आए तो आप जल्दी जल्दी, अगर मसाला लगा के रखा हो तो आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। अब 15 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। अब 15 मिनट हो गए, अब हम देखेंगे कि हमारी लेग पीस गले है या नहीं गले। टाइम आप चेक कर सकते हैं कि अगर लेग पीस गल गए हैं ना तो आप इनके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो आप फ्लेम तेज करके उसको कुशक करके कर लें। अस्सलाम वालेकुम, हम सब खैरियत से हैं, सब भी खैरियत होंगे। आज हम बना रहे हैं सारे तंदूर, लेकिन तो फर्मा की काफ़ी
अगर आपको मेरे वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।